राजेश्वर, मोदी जी ने अभी भी वक्त दिया है, अगर तुम बीजेपी में आना चाहते हो तो आ जाओ। ये मुझे लगता है परमात्मा ने मुझे भेजा और इसी काम के लिए भेजा। क्योंकि कांग्रेस की तो हार तय है राजेश्वर। ये सब ईवीएम मशीन की गड़बड़ी से हो रहा है। ईवीएम जैसी जिसकी सोच। इतना कॉन्फिडेंस के 4 जून को यही रिजल्ट आएगा, जरूर ईवीएम में कोई चिप डाला, मोदी चिप। हमारे मोदी जी ने तो एक ही नारा दिया था कि अब की बार 400 पार ऐसा नहीं होगा, और इस बार 400 पार जरूर करेंगे। बार 400 पार, क्योंकि 2014 के बाद से हमारे भारत में बहुत तरक्की हुई है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और भारत भी तो मशहूर हुआ है। क्या इसके पहले भारत मशहूर नहीं था? पिछले 70 सालों से हमारी सरकार ने जो कुछ भी नहीं किया। और एक बात जान लो, हम यहाँ तुम्हारी बात जानने और सुनने नहीं आए, ए लो फूल। और जब बीजेपी में शामिल होगे राजेश्वर, उस दिन का हमें इंतजार रहेगा। हम तो इसलिए आए थे क्योंकि तुमने हमारे साथ बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है। कांग्रेस में कुछ नहीं है राजेश्वर, आ जाओ बीजेपी। मैं कांग्रेस नहीं छोड़ सकता और मैं बीजेपी में बिल्कुल ही नहीं आऊंगा, क्योंकि इस बार राहुल ने बहुत ही मेहनत की है। हमारा काम था तुम्हें समझाना और हमने तुम्हें समझा दिया है। अच्छा ठीक है, समझ गया। आगे तुम्हारी मर्जी है राजेश्वर, कि आगे चल के बीजेपी में जितने बेनिफिट्स आए तो वो तुझे कांग्रेस में नहीं मिलेंगे। इस बात पर गौर जरूर करना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।